नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो वर्ल्ड में। मैं हूं विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में और आप कैसे फ्रीलांसिंग करके मोर देन 30,000 पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी ऐसे अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसर होता क्या। तो दोस्तों सिंपली भाषा में और सिंपल सी भाषा में बात करें तो फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो खुद के लिए काम करता है और वो जो कोई कंपनी के साथ में कंप्लीटली कभी भी टाई अप या जिसके साथ में वो हमेशा रहता नहीं, परमानेंटली नहीं रहता है। जब भी किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट के लिए जरूरत होती है उस पर्सन की, वो पर्सन उस कंपनी में जाता है, उस कंपनी में काम करता है और जब प्रोजेक्ट का खत्म हो जाता है टाइम तो उसके बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके पास में कोई स्किल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में वेब डेवलपमेंट का स्किल है या आपके पास में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की या कोई भी और स्किल है तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे समय में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसर हैं और तो आपको जॉब्स कैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल करिए दोस्तों, आप एक कंपनी है जिसको एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है। अब वेबसाइट बनाने के लिए उस कंपनी को जरूरत होगी एक वेब डेवलपर की। अगर आपके पास में एक वेब डेवलपमेंट का स्किल है तो अब आपको वो कंपनी आपको अप्रोच करेगी, भाई मेरे पास में एक वेबसाइट मुझे बनवानी है अपनी कंपनी की, आप बना के मुझे ये दे दो। आप हैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और आप जाके वहाँ पे आप उस कंपनी का एक वेबसाइट बना के आप उसको दे देंगे। जब उस कंपनी की वेबसाइट का काम खत्म हो जाएगा तो आप वहाँ से आप निकल जाएंगे। सो दोस्तों आप एक स्पेसिफिक अलोकेटेड टाइम के लिए या जब तक उस कंपनी की वेबसाइट नहीं बना तब तक आप उस कंपनी के एक पार्ट थे और जब उसका कंपनी का काम खत्म हो गया तब आप वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों इस तरीके से फ्रीलांसिंग का बिजनेस चलता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फ्रीलांसिंग के बारे में। अब अगर हम बात करें कि स्कोप क्या होती है फ्रीलांसिंग में आप या कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट होती है फ्रीलांसिंग में, तो दोस्तों अगर आपके पास में स्किल्स के नाम पे मतलब कोई अच्छी स्किल्स आपने बनाई है या डेवलप की हैं तो आप इजीली आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। और फ्रीलांसर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपली स्किल बेस्ड वर्क होता है। अगर आपके पास में स्किल है तो आप सिंपली एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, जो जिसकी वजह से ट्रेंडिंग फ्रीलांसिंग जो चल रही है आज के समय मार्केट में, आपको वो बताना चाहूँगा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है, अगर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट आता है या मोबाइल ऐप्स बनाना आता है तो भी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मतलब हार्डवेयर नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं या आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो भी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में बहुत बार नेटवर्किंग इंजीनियर का काम होता है, एज इन उनको पूरा राउटर सेटअप करना होता है, उनका पूरा नेटवर्किंग सब सेटअप करना होता है। तो ऐसे समय पर वो सर्च आउट करते हैं किसी एक इंजीनियर के लिए, एक फ्रीलांस पर्सन के लिए जो उनको आके वहाँ पर डिप्लॉय करके दे सके, उनका पूरा पूरा जो सेक्रेटरी होती है उसको डिप्लॉय करके दे सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियोग्राफी आती है, फोटोग्राफी आती है या आपको एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो भी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो भी ऐसे भी लोगों को कंपनी सर्च आउट करती रहती है क्योंकि हर एक कंपनी में हमेशा के लिए कोई वीडियोग्राफर की ज़रूरत होती नहीं है। तो ऐसे टाइम पर वो लोग सर्च आउट करते हैं कि एक वीडियोग्राफर पर्सन मिल जाए जो कि मतलब जिसको वीडियोग्राफी बहुत अच्छे से आती हो। तो ऐसे समय पर वो लोग सर्च आउट करते हैं वैसे पीपल के लिए और फाइनली वो लोग फ्रीलांसर्स को पहले सर्च आउट करते हैं, ऑप्ट करते हैं और देन आप फाइनली अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनका प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फॉर एग्जांपल और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कोई स्किल्स हैं जैसे SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है और भी बहुत सारे स्किल्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स आज के समय में अगर आप बनना चाहें तो बन सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कुछ स्किल सीखनी है तो आप जाके स्किल शेयर पे सीख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि स्किल शेयर पे आप कैसे आप साइन अप कर सकते हैं, आप जाके इस वीडियो में देख सकते हैं और स्किल शेयर पे आप दोस्तों बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये है कि मैं खुद एक फ्रीलांसर रह चुका हूँ 5 साल तक के लिए अपनी लाइफ में। 2012 से लेकर 2017 तक मैं खुद एक फ्रीलांसिंग बिजनेस में कर रहा था खुद के लिए, जिसमें मैं एक वेब डेवलपर था और मैं
बहुत सारी कंपनीज के लिए वेबसाइट्स बना के देता था और मोबाइल डेवलपमेंट भी मैं करता था और ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे भी मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। सो एज इन मैं एक फुल स्टैक डेवलपर था जहाँ पे मैं बहुत सारे कंपनीज के लिए काम करता था, मोर देन 50+ कंपनीज मेरे क्लाइंट्स थे और मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स बनाए हैं, मोबाइल ऐप्स बनाए हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस, ईमेल मार्केटिंग, देन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, SEO, काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने सेटअप करके बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, स्टार्टअप कंपनीज को दिया है करके। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और फर्स्ट ईयर में आप बाय फर्स्ट मंथ मोर देन 30,000 कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट्स मिलना थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज इन फ्रीलांसिंग में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत सारा होता है, क्योंकि आप अकेले वहाँ पे कम्पीट नहीं कर रहे थे, आप अकेले वहाँ पे पर्सन नहीं होते उस कंपनी के लिए या उस इंडिविजुअल के लिए जो आप ऑप्ट कर रहे होंगे वहाँ पे। सो दोस्तों फर्स्ट ईयर आपका, फर्स्ट ईयर में मुझे ऑलराउंड लाइक मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स मिले थे फ्रीलांसिंग में, और अगर आप भी एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं सो फर्स्ट ईयर में आपको 2-3-4 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपको स्किल्स पे भी आपको फोकस आउट करना, तो आपको स्किल्स को आपको डेवलप करते रहना होता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बेस्ट थिंग है ये कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट टाइम से ही शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग या बिजनेस, एज इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं और आप काम करना शुरू कर सकते हैं। एज इन मैं जब 2012 में मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी एक स्टूडेंट ही था और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। सो फर्स्ट ईयर मुझे 2-4 प्रोजेक्ट्स मिले थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था ऑलराउंड 16,000 का प्रोजेक्ट था जिसको मैंने स्टार्ट किया था, एक वेब डेवलपमेंट का एक वेबसाइट बनाना था मुझे, और दोस्तों वैसे मैंने शुरुआत की थी। सो और इनिशियली जो आपको प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे लोग पे करने के लिए रेडी नहीं होंगे। सो ऐसे टाइम पे दोस्तों, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आप किसी भी क्लाइंट के पास में अप्रोच करेंगे कि आपको अगर उसको वेबसाइट चाहिए, सो आप अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले चीज़ वो पूछता है कि आपके पहले क्लाइंट्स कौन रह चुके हैं। और ऐसे मोमेंट में अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके पास में बिगिनर हैं तो आपके पास में कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा, एज इन कि आपने ये वेबसाइट बनाई है, आपने प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम किया। सो ऐसे टाइम पे दोस्तों आपको, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना पड़ सकता है, एज इन जो आपके रिलेटिव होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जिनको वेबसाइट की ज़रूरत होगी या सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होगी, जो अगर जो भी आप स्किल में आप मास्टरी कर रहे हैं या जो भी स्किल आप डिलीवर करना चाहते हैं, सो वैसे सिमिलर टाइप के अगर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है तो आप फ्री में भी करने के लिए रेडी रहिए। तो स्टार्टिंग के पीरियड में आपको 5-10 प्रोजेक्ट्स फ्री में करने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बनेगा, जो आपको क्लाइंट्स को बाद में दिखा के आप पे इन ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप जाके मतलब प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं, जैसे freelancer.com जहाँ पे आपको बिडिंग करनी होती है, जहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के, जहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और वहाँ पे आपको बिडिंग करनी होती है कि आपको इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, आपको उसको बिड करना होता है। सो वहाँ पे उस एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, वो लोग फाइनली जिसको प्रोजेक्ट देना होता है और फिर फाइनली उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है। और दोस्तों उसी तरीके से fiverr.com करके एक है, fiverr.com पे आप स्पेसिफिकली अगर आपका कोई प्रोडक्ट टाइप में आप चीज़ बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट दे रहा हूँ सबको, और उस ब्लॉगिंग वेबसाइट का कॉस्ट है ऑलराउंड $30, तो मैं उसको जाके वहाँ पे अपलोड कर दूंगा कि ऐसी ऐसी ब्लॉगिंग वेबसाइट मैं बना के दूंगा जो कि $30 की होगी। सो वहाँ पे लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं और लोग मुझे फिर मतलब प्रोजेक्ट्स देंगे और मैं उसको बना के उनको दे दूंगा और मुझे पे इन मिल जाता है। तो दोस्तों टोटल ओवर एंड ऑल इस तरीके से फ्रीलांसिंग का बिजनेस चलता है। आपका स्टार्टिंग के इयर्स में, आप फर्स्ट सेकंड ईयर में, आप अगर फ्रीलांसर बिगिनर फ्रीलांसर हैं इस वक्त, तो आपको स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इंक्रीज आउट करें, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपका जो पेमेंट होगा वो भी बढ़ते जाएगा और बहुत ही ईजिली दोस्तों हम लोग मोर देन 30,000 पर मंथ कमा लेते हैं। मैं जब फ्रीलांसर था तो मैं स्पेसिफिकली अराउंड 40-50,000 पर मंथ ईजिली कमा लेता था, क्योंकि मुझे एक मुझे महीने में 2-3 वेबसाइट इजीली मिल जाते थे और साथ में अगर मुझे और भी प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे तो मुझे मेरा जो इनकम थी और भी बढ़ जाती थी उस महीने के लिए। सो ये कंप्लीटली प्रोपोर्शनल होता है कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं पर मंथ में। सो दोस्तों ओवर इन ऑल ये सिनेरियो है फ्रीलांसिंग का। अगर आपको और भी कुछ जानना है फ्रीलांसिंग के बारे में, एज इन अकाउंटिंग कैसे करें, क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करें, क्लाइंट्स को प्रपोजल कैसे सेंड किया जाए, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, हमको कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।